गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल एफी स्टाइल्स। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्किन वाइटनिंग फेस मास्क, जो कि एक 2-in-1 फेस मास्क है, आपके लिए एक स्क्रब का भी काम करेगा। तो यहाँ पर आपको चाहिए राइस फ्लावर जो है वो बिल्कुल आपको फाइन पाउडर नहीं लेना है। यहाँ पर आपको उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से थिक होने चाहिए, क्योंकि जो फेस मास्क हम बनाने वाले हैं वो एज ए स्क्रब भी काम करेगा। तो जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से थिक होंगे, तो आपको इजीली स्क्रब करने में हेल्प मिल जाएगी उससे। तो आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा बनाने के लिए आपको जो राइस है उसे अच्छे से वॉश कर लेना है, उसे ड्राई कर लीजिए, फिर ग्राइंड करने के बाद उसे आप इजीली 15-20 डेज के लिए एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये फेस मास्क जो है वो एक स्क्रब का भी काम करेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। तो फेस मास्क बनाने के लिए यहाँ पर आपने ले लेना है 2 टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लावर, और इसमें आपको ऐड कर लेना है अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। यहाँ पर मैंने ये वाला ब्रांड का हनी यूज़ किया हुआ है, आपके पास जो भी पर्टिकुलर ब्रांड हो अवेलेबल आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लावर में आपको ऐड कर लेना है 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। राइस फ्लावर जो है वो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है उसको, आपकी स्किन टोन को लाइटन अप करेगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। आपके जितने भी एक्सेस ऑयल हैं फेशियल, जो भी फेस पे आपके एक्सेस ऑयल हैं उसे ये रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आपकी स्किन को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसे ये एक टोन ज़रूर लाइटर करने में हेल्प करता है, और स्किन को जो है आपकी सॉफ्ट स्मूथ सपल बना देगा। हनी की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हनी आपके जो स्कार्स यानी कि जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं फेस के उसे वो फेड करने में यानी कम करने में हेल्पफुल है, और जितने भी आपके एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है, स्किन रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसे जो है क्योर करने में बहुत ही बेनिफिशियल है हनी। तो आपको यहाँ पर बेसिकली इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है कुछ इस तरह से। हनी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी स्टिकी होती है, थोड़ी सी जो चिपचिपी होती है इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, तो जो आप फेस मास्क बनाएंगे उसको अप्लाई करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लेना है, अगर आप चाहें तो इसमें फिल्टर्ड वाटर भी थोड़े से ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी जो है स्मूथ बन जाए, थोड़ी सी रनी हो जाए, जिससे आप इसीलिए इसे आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकें। तो आफ्टर एडिंग रोज़ वाटर ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको दे देगा। अब आपने इसे अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इसे 15-20 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है, अपने नेक को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, और 15-20 मिनट्स के बाद ये ड्राई ऑफ बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें हनी है। तो आपको इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते जाना है, और अपने टी जोन एरिया पर फोकस कीजिए अगर आपको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, और उसके बाद आपको इसे वॉश ऑफ कर लेना है। वीक में 2 बार यूज़ कीजिए अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए तो। सो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में एक बेल आइकन बना हुआ है प्लीज़ उसे भी हिट कर देना इसी तरह के बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बाय।